हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं हम लोग कंटिन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम्स 11th 12th केमिस्ट्री वालों बच्चों के लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसका थर्ड वीडियो कवर करेंगे और इसके पहले के वीडियोस तुम लोगों ने जरूर रेफर कर लेने हैं ताकि तुम्हें अच्छे से सारे लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज समझ आ जाए। तो करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी नंबर टू नाउ। इन दिस इट इज लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस लॉग एन जब भी दिया हुआ है दो लॉग सब्ट्रैक्ट अगर हो रहे हैं, पर ध्यान रखना है बेस हमेशा सेम होना चाहिए। तो इस केस में जब हम लॉग कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस इन नंबर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और बेस क्या चला था हमारा, बेस वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो तुमने ऐसे समझना है कि लॉग जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस विल चेंज टू डिविजन, ठीक है। अब इसी को दूसरे फॉर्म से अगर हम लिखें उल्टा भी, क्योंकि इस तरह से इधर एप्लीकेबल है, तो अगर डिविजन में दिया हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास लॉग एम अपॉन एन और बेस ए, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। लॉग जब दोनों के साथ लगेगा तो क्या आ जाएगा, लॉग एम माइनस, डिविजन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में जब लॉग दोनों नंबर्स के साथ आएगा, और बेस क्या था, बेस ए, वो ऐसे का ऐसे लिखते हैं, समझ आ गया बच्चे। नाउ एग्जांपल ऑन दिस, इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो तुमने ये देखना है लॉग मान लो दिया हुआ है 80 माइनस लॉग 40 और बेस कोई भी हमारा दिया हुआ है, लेट अस से बेस 3 दिया हुआ है, तो बेस सबसे पहली चीज है बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम है यहां पर। अब आगे जब हम लॉग कॉमन लेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को हम चेक कर रहे हैं, जब हम लॉग कॉमन लेंगे तो हमने क्या करना है, 80 और 40 डिवाइड हो जाएंगे, 80 अपॉन 40 हो गया। बेस क्या चल रहा था, बेस हमारा 3, तो बेस ऐसे कैसे, तो यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम कैंसिल करके, तो कितना आ गया ये हमारा लॉग 2 टू द बेस 3, देखो कितना सिंपल हो गया ये। तो जब इस तरह से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस फिर सिंप्लीफाई, दो लॉग के बदले अब सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ एक और हम एग्जांपल इसका कंसीडर करेंगे, लॉग 15 माइनस लॉग 12 बेस 2 सपोज हमने लिए, ठीक है। अब दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर हमें ध्यान आना चाहिए कि लॉग हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन लॉग जैसे ही कॉमन लिया तो ध्यान रखना है कि नंबर्स क्या होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं, तो 15 और 12 जो यहाँ पे थे ये इधर डिविजन फॉर्म में आएंगे, और बेस क्या है दोनों का, बेस सेम होना चाहिए ध्यान रखना है, सो इट इज बेस इज 2। अब हमने देखा 15 और 12 में कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम कैंसिल कर लेंगे, इट इज 3 4s एंड 3 5s, तो कितना आ गया लॉग 5/4 और बेस कितना था, वो बेस हमारा कैरी ओवर रहेगा बेस 2, तो ये जो दो नंबर दो लॉग थे कन्वर्ट होके सिंगल लॉग बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अप्लाई करना है जब दो लॉग सब्ट्रैक्शन में दिए हुए हैं। अब इसका रिवर्स एप्लीकेशन, अगर डिविजन में है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है लॉग 18 अपॉन 17 और बेस इज 2, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग 18 माइनस लॉग 17, ठीक है। जो न्यूमरेटर में वो पहले और जो डिनोमिनेटर में वो बाद में, बेस क्या था 2, वो हमारा ऐसे कैसे, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको समझना। अब कई बार हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि जिसमें प्लस भी होंगी टर्म्स और माइनस भी होंगी, तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं लॉग 15 प्लस लॉग 12 माइनस लॉग 30 और बेस हमने अज्यूम कर लिया, चलो कि बेस सबका सेम 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम आगे भी करेंगे अगर जब बेस डिफरेंट वाले हैं उनको कैसे हम बेस सेम में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉपर्टीज उनकी भी कवर होंगी, क्योंकि अभी हमारी ये जस्ट प्रॉपर्टी सेकंड है, तो आगे वीडियोस तुम लोगों ने ध्यान रखने हैं जो मैं बनाऊंगी इन पे।
वो रेफर करते रहना है ताकि पूरा लॉग हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब इस केस में हमने देखा कि तीन लॉग है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में प्लस है और बाद में माइनस है, तो तीनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हमने करना है इसको कंबाइन, हमने लॉग देखना पहले कि सबका बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम है तो बेस हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जिन नंबर्स जिस लॉग में पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स हैं, वो तो नंबर्स आएंगे न्यूमरेटर में, जो ये माइनस वाला है वो डिनोमिनेटर में। तो कैसे इसको देखना है, 15 इसके आगे प्लस है ना, यहाँ पर ये 15 इधर आ गया, इसके आगे भी प्लस है तो ये इनटू हो जाएगा, क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी की थी उसमें बताया था मैंने कि प्लस वाला कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में जब हम लॉग कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो प्लस को तुमने समझना है 15 इनटू 12 हो गया। अब ये क्या साइन है यहाँ पर, माइनस, जब माइनस होता है तो फिर ये वाली टर्म हमारी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ठीक है, तो कैसे हमने देखना है, ये जो प्लस है यहाँ पर भी प्लस था, ये न्यूमरेटर में, यहाँ पर भी प्लस, ये भी न्यूमरेटर में, यहाँ माइनस है तो ये नंबर डिनोमिनेटर में। अब इसको जो कैंसिल करना है हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 15 टू 30 और ये 2 6 12, तो हमारे पास रह गया लॉग 6 और ये बेस 2, तो हमारा कितना सिंपल आंसर ये आ गया। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल अब इस पे कंसिडर करते हैं हम लोग। log 40 to the base 3 minus log 25 to the base 3 minus log 2 to the base 3 ऐसे दे रही है। अब की बार मैंने एग्जांपल में ऐसा लिया है कि दो में माइनस है और एक में प्लस है, तो करना तो स्टार्ट वैसे ही हमने log पहले कॉमन ले लिया, बेस सबका सेम है तो बेस सेम ले लिया, ब्रैकेट ले लिया, जिसके आगे प्लस है, देखो इसके आगे प्लस था तो ये हमारा आ गया न्यूमरेटर में, और ये माइनस है यहाँ पर, तो इस माइनस की वजह से 25 किस में आएगा, दिस विल बी इन द डिनोमिनेटर, एंड ये भी माइनस साइन है तो 2 भी कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में, और साइन क्या होगा बीच में, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है जो नेगेटिव्स है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, और अगर दो है तो वो प्रोडक्ट में, और एक ही था पॉजिटिव में वो न्यूमरेटर में रहेगा। क्लियर, अब कैंसिल जो करना है हम कैंसिल कर सकते हैं, सो इट इज 2 20 5 5 5 4, तो ये आ गया log 4/5 और basis 3, तो समझ में आ गया बच्चे। तो ये हमने आज सेकंड प्रॉपर्टी कवर करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रॉपर्टीज भी कवर करते जाएंगे, तो तुम लोगों ने सारे वीडियोस को रेफर करना है, तुम लोग का log इससे बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो, सो दैट जैसे नए क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर नए वीडियोस तुम लोग के पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आ जाएगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।